टेस्ट इंडियन किचन में सभी व्यर्थ का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए चावल के पापड़, और वो इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं कि मुंह में घुल जाने वाले हैं। ये इतने मज़ेदार पापड़ हैं कि आपको बस खा के मज़े ही आने वाला है। इस तरीके से जब हमारे तरीके से आप बनाकर देखेंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा इसको खाने में, और इसके चावल जो बचे हुए होते हैं उसको भी बर्बाद होने से आप बचा सकेंगे। कितने महंगे चावल आते हैं और हम यूं ही बर्बाद इनको कर देते हैं, तो देखिए हमने इसी को बर्बाद ना हो। और हमने इसको एक बाउल हमने चावल लिए हैं, ये हमारे बचे हुए यानी बासी चावल थे, और हम इसको अब लेते हैं एक जार, मिक्सी जार, और इसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, लौट देते हैं। आप कोई सा भी चावल हो, चाहे खिचड़ी का हो, बासमती हो, वो उस चावल के आप बना सकते हैं जो भी आपके घर में खाए जाते हो। और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छी तरीके से पीस जाए, और बारीक इसको पीसना है। देखिए हमारे ये चावल पीस चुके हैं, अच्छा इसका पेस्ट बन चुका है। देखिए कितना भी ये गाढ़ा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अभी ये सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं इसको, ये चावल कैसा पिसा है। मैंने अपने चैनल पे और बहुत सारे तरीके के पापड़ अपलोड किए हैं, आलू के पापड़, चावल के पापड़, सूजी के पापड़, प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखना। और देखिए इसको एक बाउल में रख देते हैं, इसको एक और फिर इसमें थोड़ा सा पानी हम डालते हैं, उसको मिलाते हैं ताकि ये इसका थोड़ा ये गाढ़ापन जो है वो दूर हो जाए। और हमने पानी और डाल दिया है, इसको अच्छी तरीके से इसको मिला देते हैं ताकि इसमें कोई गाढ़ा वगैरह ना हो, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बर्बाद ये फेंकने से हो बेहतर है आप इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें। मैंने इसको बचे हुए चावल से खीर भी बनाने का तरीका बताया है, और बहुत से मैंने तरीके उबले हुए चावल से यानी जो हमारे चावल बच जाते हैं उसका तरीका बताया है। अब इसमें हम डालते हैं नमक। नमक अगर आपके चावल में पहले से ही मौजूद है तो आप ना डालें। मेरे चावल में नमक नहीं था इसलिए मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप थोड़ा ही डालें क्योंकि पापड़ में नमक कम ही लगता है। और इसमें डालते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर आप इसमें ज़ीरा वगैरह डालना चाहें या अजवाइन तो डाल सकते हैं इसी टाइम पर। मैंने एक थोड़ी सी मीठा खाने वाला सोडा भी डाल दिया है, और इस तरीके से फिर पेट में इसको मिला देते हैं। और देखिए अब हम एक प्लास्टिक शीट लेते हैं और इस पर इस तरीके से इसको पापड़ को फैला देते हैं चमचे की सहायता से। देखिए ये पापड़ एक ही दिन में सूख जाते हैं, बहुत पतले होते हैं। आप धूप में अगर इसको सुखाएंगे बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे, वैसे तो ये पंखे की हवा में भी सूख जाते हैं। और देखिए मैंने सारे के सारे पापड़ फैला दिए हैं धूप में इस तरीके से, प्लास्टिक शीट है ये। और देखिए ये सूख कर तैयार हो चुके हैं, और देखिए कितने ये बारीक बने हैं, आप खुद ही देख रहे होंगे। अब इसको हम आपको तल कर भी दिखाएंगे। अगर मेरी आपको पापड़ बनाने का ज़रा सा भी तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि मेरे पापड़ बनाने का तरीका कैसा लगा। और देखिए कढ़ाई में डालते ही ये पापड़ दुगना हो गया है, इसको अच्छी तरीके से ये तैयार हो गया है और तल भी चुका है, और क्रिस्पी भी बहुत हैं ये पापड़। आपको खा कर खुद ही मज़ा आने वाला है, और बहुत ही नरम ये हैं, मुँह में घुल जाने वाले पापड़। आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। और देखिए अब मैं इसको तोड़ कर भी आपको दिखा देती हूँ, इसका देखिए करारापन कैसा है, आप खुद ही इसकी आवाज़ सुन लेंगे। देखिए कितना ये करारा बना है और बिल्कुल चूरा चूरा हो गया है इसका, इस बहुत ही। और देखिए एक छोटा सा ये पापड़ था उसको मैं देखिए इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। इस तरीके से आप पापड़ बनाएं, बहुत ही कम मेहनत में बहुत जल्द बनने वाले ये पापड़ हैं। आप अगर किसी मेहमान के आगे भी इस पापड़ को रखेंगे तो वो भी खुश हो जाएगा और पूछेगा आपने किस तरीके से पापड़ बनाए हैं। तो प्लीज़ आपसे
दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।